हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फाइनल एपिसोड पे। चैप्टर 17 ऑफ द सीआरपीसी का फाइनल एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 223 एंड सेक्शन 224। और ये जो सेक्शन 223 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े ध्यान से सेक्शन 223 और सेक्शन 224 को समझिएगा। आज के एपिसोड को शुरू करें उसके पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, अब उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। और अगर आपको कोई भी समस्या है, लॉ से जुड़ा हुआ कोई लीगल इशू है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं फॉर डेली एमसीक्यूज का पीडीएफ के लिए, तो आप टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। सेक्शन 223 हमें यह बताता है कि आखिर किन परिस्थितियों में, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, अगर एक से अधिक व्यक्तियों ने अपराध किया है तो उन सभी व्यक्तियों का चार्ज एक साथ कैसे बनेगा और उन सभी व्यक्तियों को एक साथ कैसे ट्राय किया जाएगा। आखिर वो सिचुएशन क्या है जब एक से अधिक व्यक्तियों का ट्रायल एक साथ चलाया जाता है और वह होते कौन है, वे व्यक्ति होते कौन है, इसके बारे में जानकारी देता है आपको सेक्शन 223। तो आइए समझते हैं बातों को। सबसे पहला पॉइंट नंबर ए कहता है persons accused of same offence committed in the course of same transaction। अगर एक से अधिक व्यक्तियों ने एक ही अपराध सेम अपराध किया, सेम ऑफेंस किया है, वो भी सेम ट्रांजेक्शन में, तो उन सभी व्यक्तियों को उस अपराध के लिए एक साथ चार्ज किया जाएगा और उनका ट्रायल एक साथ चलेगा। थोड़ा इसको इलस्ट्रेट करके समझाते हैं। मान लीजिए ए बी सी है और इन तीनों ने बी का मर्डर किया और इन तीनों ने जब डी का मर्डर किया है तो वो मर्डर हुआ है इन सेम ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स कि तीनों ने मिलकर एक साथ डी का डेथ काउज किया, डी को मारा है। तो यहां पे इन तीनों को एक साथ चार्ज किया जाएगा मर्डर के लिए और इन तीनों का ट्रायल एक साथ चलेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर बी पे आइए। पॉइंट नंबर बी कहता है कि वो व्यक्ति कौन होंगे, तो देखिए कहता है पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। वो व्यक्ति जिसपे आरोप लगा है अपराध को करने का और वो व्यक्ति जिसपे आरोप लगा है अपराध को करने के अटेम्प्ट का या अपराध को अबेट करने का आरोप लगा है, तो इन सभी व्यक्तियों को एक साथ चार्ज किया जाएगा और इनका ट्रायल एक साथ चलेगा। उसके बाद सी नंबर पॉइंट कहता है persons accused of more than one offense of the same kind। अगर एक से अधिक व्यक्तियों ने एक से अधिक अपराध किया है और ये जो अपराध है वो एक ही प्रवृत्ति के हैं और ये अपराध का जिक्र, ये जो कंसेप्ट है कि अगर एक से अधिक अपराध सेम काइंड का होता है विद इन 12 मंथ, तो इसके लिए ऑलरेडी सेक्शन 299 में प्रोविजंस है। तो यहां पे उसी सिचुएशन का बात किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट नंबर सी बता रहा है कि अगर एक से अधिक व्यक्तियों ने एक से अधिक अपराध, एक से अधिक ऑफेंस एक ही नेचर का करता है और ये अपराध एक से अधिक एक ही साल के भीतर अगर होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट ऑफ सच ऑफेंस, तो इन सभी ऑफेंसेस का जो चार्ज बनेगा उन सभी व्यक्तियों पे एक साथ होगा और उनका ट्रायल एक साथ चलेगा। उसके बाद जब बात डी नंबर का करेंगे, पॉइंट नंबर डी, तो कहते हैं पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब यहां पे उन व्यक्तियों का भी ट्रायल एक साथ चलेगा, उनको एक साथ चार्ज किया जाएगा अगर उन्होंने अलग अलग अपराध किया है। ए ने कुछ अलग अपराध किया, बी ने कुछ अलग अपराध किया है, सी ने कुछ अलग अपराध किया है, डी ने कुछ अलग अपराध किया है, लेकिन ये चारों ने जो अपराध किया अलग अलग, ये एक ही ट्रांजेक्शन सेम ट्रांजेक्शन में हुआ है, तो इन सभी व्यक्तियों को उनके अपराधों के लिए एक साथ चार्ज किया जाएगा और ट्रायल इनका एक साथ चलेगा। उसके बाद आते हैं ई नंबर पॉइंट पे। ई नंबर पॉइंट कहता है कि पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस इंक्लूडिंग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। वो व्यक्ति जो अक्यूज्ड है चोरी थेफ्ट का, जो अक्यूज्ड है एक्सटॉर्शन, चीटिंग या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का, वे अक्यूज्ड और वे अक्यूज्ड जो जिसपे एक्विजिशन लगा है फॉर रिसीविंग और रिटेनिंग और असिस्टिंग इन डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी का चोरी हुआ, जिस प्रॉपर्टी को लेकर एक्सटॉर्शन हुआ है, चीटिंग हुआ है,
मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, उस प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति अगर डिस्पोज ऑफ करता है, डिस्पोज ऑफ करने में मदद करता है, कंसील करता है, तो वह व्यक्ति जिसपे आरोप लगा है असिस्ट रिसीव करने का वो प्रॉपर्टी, और जिसने चोरी किया, एक्सटॉर्शन किया और चीटिंग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है, तो इन सभी व्यक्तियों को एक साथ चार्ज किया जाएगा और इन सभी का ट्रायल एक साथ चलेगा। अब आते हैं एफ नंबर पॉइंट के लिए, कहता है पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 414 एंड 411 ऑफ आईपीसी और आइदर ऑफ दो सेक्शंस, तो उन सभी एक्यूज का जो ट्रायल है एक साथ चलेगा, उनको एक साथ चार्ज किया जाएगा इन अपराधों के लिए। अब इसको थोड़ा तोड़ के समझिए, पहले नंबर पॉइंट में कहता है कि अगर वे एक्यूज्ड हैं जिसपे एलिगेशन लगा है उस अपराध करने का जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 411 ऑफ द आईपीसी, और दूसरी तरफ वो एक्यूज्ड है जिसपे आरोप लगा, एलिगेशन लगा है उस अपराध करने का जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 414 ऑफ द आईपीसी, तो इन सभी एक्यूज्ड को एक साथ चार्ज किया जाएगा और उनका ट्रायल एक साथ चलेगा, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर मान लीजिए एक से अधिक एक्यूज्ड है और उन सभी एक्यूज्ड पे आरोप लगा है उस अपराध करने का जो पनिशेबल है सेक्शन 411 के अकॉर्डिंग आईपीसी का या 414 के अकॉर्डिंग आईपीसी का, तो उन सभी एक्यूज्ड को भी एक साथ चार्ज किया जाएगा और उनका ट्रायल एक साथ चलेगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर एफ। अब आइए लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर जी क्या कहता है, कहता है पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 ऑफ आईपीसी एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी अदर ऑफेंस अंडर द सेड चैप्टर रिलेटिंग टू द सेम पॉइंट और ऑफ अबेंडमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस। अब यहां बड़े ध्यान से समझिएगा बात को, कहता है कि अगर मान लेते ए है, ए ने कोई ऑफेंस किया जो पनिशेबल है चैप्टर 12 के तहत आईपीसी का, कोई भी ऑफेंस, उस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले किसी भी ऑफेंस का आरोप लगा है ए पे और चैप्टर 12 आईपीसी का डील करता है काउंटरफिटिंग ऑफ पॉइंट्स, काउंटरफिटिंग ऑफ पॉइंट के अपराधों से डील करता है चैप्टर 12 आईपीसी का, तो ए पे उस सेक्शन चैप्टर 12 के किसी भी सेक्शन के तहत एलिगेशन लगा अपराधों करने का और बी पे भी उसी चैप्टर 12 के किसी अदर सेक्शन के अकॉर्डिंग अपराध करने का एलिगेशन लगा है और ये जो ऑफेंस कर रहा है चैप्टर 12 के अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग ये अपराध पनिशेबल है, लेकिन इन अपराधों का संबंध एक ही क्वाइन से, सेम क्वाइन से है, तो इन व्यक्तियों को एक साथ चार्ज किया जाएगा और इनका ट्रायल एक साथ चलेगा। या फिर अगर मान लीजिए एक साइड ए है और ए ने कोई अपराध किया चैप्टर 12 के अकॉर्डिंग किसी भी एक सेक्शन के अकॉर्डिंग और बी किसी अदर सेक्शन के अकॉर्डिंग अपराध करने के अटेम्प्ट का आरोपी हो जाता है, अबेटमेंट का आरोपी हो जाता है, तो बी को सेम क्वाइन संबंधित होना चाहिए ये अपराध और ये अपराध, तो बी को और ए को इस सिचुएशन में भी एक साथ चार्ज किया जाएगा और एक साथ इनका ट्रायल चलेगा। तो ये हो गया पॉइंट ए से जी तक, लेकिन आपको जो सेक्शन 223 है उसका प्रोविजन याद रखना है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बहुत सारे व्यक्तियों ने अपराध किया और वो जो अपराध हुआ है बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा, बहुत सारे एक्यूज के द्वारा, वो अपराध ए से लेके जी तक के किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ए से लेके जी तक के सर्कमस्टेंसेस में नहीं आ रहा है अगर वे जो अपराध हुए हैं एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, तो कहता है प्रोविजो कि उन व्यक्तियों को भी एक साथ उन अपराधों के लिए चार्ज किया जा सकता है और उन अपराधों के लिए उनको एक साथ ट्राई भी किया जा सकता है। कब? जब उनमें से कोई भी व्यक्ति अप्लाई करता है इस संबंध में मजिस्ट्रेट को या कोर्ट ऑफ सेशन को, और जैसे एप्लीकेशन फाइल होगा इनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा और उसके बाद उस एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट को यह लगे कि अगर इन व्यक्तियों को उन अपराधों के लिए एक साथ चार्ज किया गया और एक साथ ट्रायल कंडक्ट किया गया इन व्यक्तियों का, तो इससे वे प्रिजुडिस नहीं होंगे, तो इस सिचुएशन में उन अपराधों के लिए भी उन व्यक्तियों को, उन एक्यूज को एक साथ चार्ज किया जाएगा और ट्राई किया जाएगा, जबकि वो अपराध जो है सेक्शन 223 के ए से लेके जी तक के क्लॉज के किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं आ रहा है फिर भी, तो यह है प्रोविजन। अब आगे देखिए क्या कहता है चैप्टर 17 का अंतिम सेक्शन, सेक्शन 224। सेक्शन 224 कहता है विथड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेस,
एक्यूज्ड पे एक से अधिक अपराधों करने का आरोप लगा, उसमें से कुछ अपराध को लेकर एक्यूज्ड को कन्विक्ट भी कर दिया गया है, लेकिन बाकी बचे अपराधों को लेकर कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो उन अपराधों का जो चार्ज है उसको विथड्रॉ किया जा सकता है। अब किस परिस्थिति में सब्जेक्ट टू द व्हाट कंडीशंस, इसके लिए जानकारी देगा आपको सेक्शन 224। क्या कहता है देखिए, पहला पॉइंट कहता है व्हेन चार्ज कंटेनिंग मोर हिट्स देन वन इज फ्रेंड अगेंस्ट द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति पे एक से अधिक अपराधों करने का चार्ज बना, चार्ज फ्रेम हुआ। दूसरा पॉइंट कहता है कन्विक्शन हैज बीन हेल्ड ऑन वन और मोर ऑफ देम, और उन अपराधों में कुछ अपराधों को लेके इस पर्सन को कन्विक्ट भी किया गया है, बाकी में कन्विक्शन नहीं हुआ। तो तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि जिन अपराधों को लेके कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो यहां पे कंप्लेंट या प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सहमति से उन अपराधों के चार्ज को विथड्रॉ कर सकता है। चौथा पॉइंट कहता है कि चार्ज विथड्रॉ हो जाने के बाद जिन अपराधों पे कन्विक्शन नहीं हुआ था, उन अपराधों का चार्ज, उन अपराधों को लेकर जो चार्ज बना था कि उस पर्सन के अगेंस्ट, उसको विथड्रॉ कर लिया गया, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, अगला स्टेप कोर्ट का क्या होगा, तो कोर्ट क्या करेगी, उन ऑफेंसेस का जो इंक्वायरी ट्रायल चल रहा था उसको स्टे कर देगी, स्थगित कर देगी। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि विथड्रॉ जो हुआ है चार्ज, इसका क्या प्रभाव होता है, तो इसका प्रभाव होता है एक्यूटल का, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट नंबर पॉइंट कहता है कि ये जो बात किया जा रहा है विथड्रॉल का, चार्ज के विथड्रॉल का, ये सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट कोर्ट है। मान लीजिए कि कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील हुआ टू द अपीलेट कोर्ट, और अपीलेट कोर्ट ये ऑर्डर कर दे कि जो विथड्रॉ हुआ है चार्ज, रिमेनिंग चार्ज जिसपे कन्विक्शन नहीं हुआ था, जिसको विथड्रॉ किया गया है प्रोसिक्यूशन या कंप्लेंट के द्वारा विद कंसेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, वो सही नहीं है, और अपीलेट कोर्ट चाहती है कि उन सभी अपराधों का, जो अपराधों का चार्ज बना था एक्यूज्ड पे, उन सभी अपराधों का ट्रायल चलना चाहिए, तो यहां पे ये जो विथड्रॉल ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा और अपीलेट कोर्ट उन सभी अपराधों पे फिर कॉग्निजेंस लेगी और एक्यूज्ड को ट्राई करेगी उन सभी अपराधों के लिए जिन जिन अपराधों करने का उस पे चार्ज बना था। दैट मींस कि विथड्रॉल का जो प्रभाव खत्म हो जाएगा, विथड्रॉल वापस ले लिया जाएगा, तो यह ध्यान रखिएगा अपीलेट कोर्ट को यह पावर है। तो ये हो गया सेक्शन 224। इसी के साथ दोस्तों लेक्चर को अब आ चुका है कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया सेक्शन 223 और 224, और ये काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है सीआरपीसी का या जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अंततः आपको बस इतना बोलूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर कोई लीगल इशू है, कोई पर्सनल क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप एमसीक्यू के लिए हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही, आपका आज तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।